पूर्वजों की पुण्य परंपराएं हम फिर अपनाएं। संसार के कोने कोने में संस्कृति, समृद्धि और व्यवस्था की स्थापना करना हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य माना था। इसके लिए वे सबसे पहले आत्मनिर्माण करते थे, अपने व्यक्तित्व को हर दृष्टि से उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त बनाते थे। जैसा खिलौना ढालना हो उसके अनुरूप सांचा तैयार करना पड़ता है। गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से आदर्श सिद्ध होने वाले व्यक्ति ही अपने चरित्र एवं चिंतन की छाप दूसरों पर छोड़ सकते हैं। निकृष्ट स्तर के लोग उत्कृष्टता का उपदेश करें तो उपहासास्पद विडंबना ही बन जाती है। लोग उन उपदेशों का पालन करना तो दूर, उल्टे उस उपदेशक की तरह उसके उपदेशों प्रतिपादनों को भी दिल लगी की बात समझते हैं। यह तथ्य प्राचीन काल में भली प्रकार समझ लिया गया था। अस्तु यहाँ के नर रत्न अपने आप को तप, साधना, संयम की अग्नि में तपाकर खरा सोना बनाते थे और विद्या, प्रतिभा एवं शालीनता के लिए घोर परिश्रम करते थे। आत्मसमर्पण और लोक मंगल के ये दो कार्य अलग अलग दिखते हैं, पर वस्तुतः वे दोनों परस्पर अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जो आत्मसमर्पण करेगा उसकी सुविकसित महानता लोक कल्याण के लिए अग्रसर हुए बिना चैन से बैठ ही नहीं सकेगी, और जो सच्चे मन से जन कल्याण की परमार्थ सेवा साधना करना चाहता हो उसे वह कार्य आत्मोत्कर्ष के लिए उग्र प्रयास करते हुए आरंभ करना होगा। वस्तुतः आत्मोत्कर्ष और लोक कल्याण महान जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, जिनके सही होने पर ही अभीष्ट दिशा में गतिशीलता उत्पन्न होती है। भारतीय जीवन का आदर्श और उसका क्रियाकलाप बार बार कसौटियों पर कसने से यही दो लक्ष्य सामने आते हैं, जिनके लिए इस देश के महान नागरिक निरंतर घोर प्रयत्न करते रहे। उनकी महत्वाकांक्षाएं इन्हीं दो लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं। फलतः प्रगति भी आशातीत हुई। भारत स्वयं तो समुन्नत रहा ही है, उसने अन्यत्र भी अपनी विभूतियां बिखेरी और विश्व मानव की गौरव गरिमा में चार चांद लगाए। जब से संसार में लिखित न सही अलिखित इतिहास के सूत्र मिलते हैं, तब से ऐसे ही प्रमाण सम्मुख आते हैं जिनमें भारतीय नर रत्नों द्वारा व्यापक क्षेत्र में विविध सेवा साधन के सत्कृत्य प्रस्तुत किए जाते रहे। उन दिनों वस्तुतः समस्त संसार ही भारत का अपना कार्यक्षेत्र था। रात्रि विश्राम के लिए या अंडे देने के लिए जिस प्रकार पक्षी किसी पेड़ पर घोंसला बना लेते हैं और थकान दूर करके फिर उन्मुक्त आकाश में उड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ नई पीढ़ियों के प्रजनन प्रशिक्षण के सुविधा साधन जुटाए जाते थे। थोड़े लोग निर्वाह साधने की व्यवस्था भी करते थे। इससे आगे जो जनबल, बुद्धि बल और धन बल बच जाता था उसे विश्व कल्याण के एकमात्र प्रयोजन के लिए ही नियोजित किया जाता था। हमारे देश में यही परंपरा थी। हर भावनाशील का चिंतन और कर्तृत्व इसी दिशा में गतिशील था। परिणाम प्रत्यक्ष है, भारत के देव मानव अपने देश में सतयुगी स्वर्गीय परिस्थितियां बनाए रहे, साथ ही विभूतियों के अवशेष सुदूर क्षेत्रों में बिखेर कर मानवता का अविस्मरणीय कीर्तिमान स्थापित करते रहे। इसके प्रमाण जिस भूखंड में ढूंढे जाएं मिल जाएंगे। पौराणिक कथा प्रसंगों से इस तथ्य का प्रतिपादन भली प्रकार होता है। किसी भी देश की पौराणिक गाथाओं, लोक गाथाओं और किंवदंतियों का विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष एक ही निकलेगा कि भारत भूमि के निवासी देव पुरुष उस क्षेत्र में पहुंचकर ऐसी स्थापनाएं करते रहे जिनसे दुख की दयनीयता का सुख सौभाग्य में परिणत हो सकना संभव हुआ। दैवी सहायता के रूप में भारत से प्रकाश एवं सहयोग का आशातीत अनुदान प्राप्त हुआ। जब से भग्नावशेष, वास्तु प्रमाण आदि के प्रमाण मिलने आरंभ हुए हैं, तब से उन भारतीय गौरव गाथाओं की, प्रचलित दंत कथाओं की और भी अधिक पुष्टि होती गई है। उसके उपरांत लिखित इतिहास का समय आता है। भाषा और लिपि का विकास विस्तार होने के उपरांत संसार में आगे पीछे लेखन कार्य आरंभ हुआ और उसमें तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया गया।
उनमें से असंख्य लेख प्रमाण नष्ट होते गए। उनमें से जहां जहां जो प्रमाण मिले उनमें सबकी दिशा एक ही है कि सृजन का नेतृत्व करने वाले भूदेव उस भूमि को समुन्नत बनाने में अधिक परिश्रम करते रहे, उस क्षेत्र की विकृतियों के साथ प्राण पल से जूझे। शिलालेख, काष्ठ फलक लेख, चर्म पट्ट लेख, भोज पत्र लेख, भित्ति लेख आदि के प्राचीनतम प्रमाण जहां भी मिले हैं वहीं से भारतीय गरिमा की प्रामाणिकता ही सिद्ध हुई है। वस्तुतः सभ्यता की जन्मदात्री यह भारत भूमि ही है और यहीं से उदय हुआ सर्वतोमुखी उत्कर्ष का सूर्य, समस्त विश्व में अपनी प्रकाश की किरणें फैलाता चला गया। यह क्रम हजारों लाखों वर्षों तक चला गया, पीछे पतन और पराभव का युग आया। इस देश के निवासियों में स्वार्थ बुद्धि जगी, व्यक्तिवाद पनपा, निजी सुख सुविधाओं के बढ़ाने की बात सूझी, विलास लिप्सा में मान डोला, अहंकार की तृप्ति के लिए संग्रह और वर्चस्व के प्रदर्शन की दुर्बुद्धि जगी। लोग सामूहिक स्वार्थ की उपेक्षा करके व्यक्तिगत वैभव और सुख साधन बढ़ाने की ओर मुड़े। जहां अंततः प्रवृत्तियां पतोन्मुख होंगी वहां बहिरंग क्रियाकलाप में निकृष्टता दुष्टता आदि की मात्रा बढ़ेगी, कुकृत्य होंगे और गुत्थियां उलझेंगी, संकटों और विग्रहों की बाढ़ आएगी। उत्कृष्ट चिंतन की परंपराओं वाला भारत जब संकीर्ण स्वार्थपरता के गर्त में गिरा तो उसकी स्थिति पतितों जैसी दयनीय होती चली गई। प्राचीन भारत की समस्त गौरव गरिमा का केंद्र बिंदु एक ही था कि उस समय का मनुष्य संकीर्ण स्वार्थपरता की सड़ांध में मरने वाली मनस्थिति से घोर घृणा करता था। उसके सामने ऊंचा लक्ष्य रहता था और ऊंचा आदर्श। अपने निकृष्ट अहम की पूर्ति तक सीमित रहने के लिए कोई घिनौना व्यक्ति ही तैयार होता था। पेट और प्रजनन भर के लिए जिसने मानव जीवन का बहुमूल्य अवसर गंवा दिया उसे आत्म प्रताड़ना की, विज्ञ भर्त्सना की इतनी करारी मार सहनी पड़ती थी कि लिप्सा लालसा में जो हाथ लगता था वह नगण्य ही रह जाता था। अस्तु, किसी को भी अमीर या बड़ा आदमी बनाने की हविश नहीं उठती थी। हर कोई उदार, महान, व्यापक बनकर जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आतुर रहता था। उसकी गतिविधियां, योजनाएं, आकांक्षाएं, विचारणाएं एक ही केंद्र के इर्द गिर्द घूमती रहती थीं कि वह अपनी आत्मीयता एवं ममता को अधिकाधिक व्यापक कैसे बनाए। सच्चा ईश्वर भक्त, सच्चा अध्यात्मवादी, सच्चा मनुष्य कैसे कहलाए और उस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग बलिदान की सेवा साधना में संलग्न होने के लिए कितना बढ़ चढ़कर दुस्साहस प्रस्तुत करे, अपने क्रियाकलापों को कितना आदर्श, कितना अनुकरणीय बनाए, पतन पीड़ा और पिछड़ापन से जूझते हुए कितने प्रखर शौर्य साहस का परिचय दे, अपने पन का क्षेत्र कितना व्यापक और विस्तृत बनाए। जब अंतःकरण में इसी प्रकार के उफान उठेंगे तो संभवतः मनुष्य को उसी राह पर चलना पड़ेगा जिससे मनुष्यता गौरवान्वित होती है। स्पष्ट है जहां उत्कृष्टता होगी वहां संपन्नता की प्रगति की कभी कमी नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्तित्व जहां भी रहते हैं वहां संपत्तियों और विभूतियों का इतना बाहुल्य रहता है कि उस समस्त क्षेत्र में वैभव बिछड़ा पड़ा रहे और उसे समस्त भूमंडल में बिखेर कर सुख शांति का अजस्त्र अनुदान दिया जा सके। यही है वह मार्ग जिस पर हमारे पूर्वज चले थे, यही थी वह दिशा जिस पर उसके चरण अनवरत गति से बढ़े थे, यही था वह लक्ष्य जिसकी पूर्ति को उन्होंने जीवन का लक्ष्य माना था। इसी स्तर के क्रियाकलापों में उन्हें संतोष होता था। ऐसे ही कृत्यों में संलग्न रहने में वे अपने श्रम समय को धन्य मानते थे, फलतः उनका समग्र व्यक्तित्व देवोपम बनता था। वे स्वयं स्वर्गीय शांति का हर घड़ी आनंद लेते थे। उनके कुटुंबी स्नेह सिक्त वातावरण में परिपूर्ण वैभव जितना उल्लास अनुभव करते थे। उनका समस्त प्रभाव क्षेत्र आदर्शवादिता की सुगंध से भरा रहता था। वे चंदन वृक्ष जैसा आत्म विकास करते थे और अपने समीपवर्ती क्षेत्र में उगे हुए झाड़ झंगाड़ों को अपने सरीखे बनाने की मंगलमयी सफलता प्राप्त करते थे। यही था हमारे पूर्वजों का जीवन लक्ष्य, इसी के लिए समर्पित था उनका चिंतन और कर्तृत्व।
आंतरिक महानता को बढ़ाकर उन्होंने अपने देश और धर्म को गौरवान्वित किया था और इसी उपलब्धि का व्यक्ति कंचित प्रसाद पाकर समग्र मानवता को समस्त विश्व वसुधा को समुन्नत एवं सुविकसित होने का अवसर मिला था। हमें इन विश्व संकट के क्षणों में विशेष उत्तरदायित्वों को वहन करना है। अंधकार के निवारण की जिम्मेदारी सूर्य के कंधों पर है। यदि वह इससे इनकार करे तो फिर सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का सर्वनाश ही समझना चाहिए। अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त करना, पूर्वजों की कीर्ति को धवल बनाए रहना हमारा परम पवित्र कर्तव्य है। आज जिस पथ भ्रष्टता को अपनाकर हम पतन के गर्त में गिर पड़े हैं, उससे निकलने का उत्कृष्ट प्रयास हमें करना चाहिए। प्रगति के पथ पर संसार के अनेक देश निकल गए, हम पिछड़ी स्थिति में पड़े हैं। इस आत्मग्लानी की प्रताड़ना हमें अनुभव करनी चाहिए और कृमि कीटकों की तरह पेड़ प्रजनन के निमित्त जिया जाने वाला निकृष्ट जीवन जीने से हमें इनकार कर देना चाहिए। उदात्त मानवतावादी आदर्श युक्त उत्कृष्ट जीवन क्रम अपनाकर और तदनुरूप दृष्टिकोण अपनाना ही हमारे लिए उचित है। आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि भावनात्मक क्षेत्रों में जो विकृतियां घुस पड़ी हैं, उन्हें देखना और सुधारना अपना प्रथम कर्तव्य है। जिन दुर्बलताओं और पथ भ्रष्टताओं ने सब प्रकार दीनहीन बना दिया, उसका उन्मूलन करना नवजागरण का प्रथम चरण है। व्यक्तित्व की दृष्टि से परिपक्व होने पर ही हम सच्चे अर्थों में समर्थ, बलिष्ठ और समुन्नत बन सकेंगे। अपने देश के कोने कोने में विकृतियों और विडंबनाओं को निकाल बाहर करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। आत्मिक और भौतिक प्रगति की दिशा में अग्रसर होने के लिए हमें पूरे उत्साह एवं साहस का प्रयोग करना चाहिए। अपना पिछड़ापन दूर करके ही मानव जाति की समस्त विश्व की महती सेवा कर सकना हमारे लिए संभव होगा। हम व्यक्तिगत रूप से अधिकाधिक प्रगति करें और सामाजिक रूप से अधिकाधिक समुन्नत होने का प्रयास करें, पर साथ ही यह भी ध्यान रहे कि उपलब्ध विभूतियों एवं संपदाओं का उपयोग संकीर्ण स्वार्थपरता के सीमा बंधनों में ही अवरुद्ध न कर दिया जाए। पिछड़ापन जहां कहीं भी दिखाई पड़े, हम दौड़ जाएं और प्रगति का प्रयास इस प्रकार वितरित करें कि किसी भी कोने में पतन का अंधकार छिपा न रहने पाए। हम सदा से वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को अपनाए रहे हैं। विश्व मानव को अपना विस्तार क्षेत्र माना है। अपने पन की सीमा निज के शरीर परिवार तक अवरुद्ध नहीं करनी चाहिए, वरन उन्हें इतना व्यापक बनाना चाहिए कि भारत भूमि का कोना कोना उसके प्रकाश से आलोकित हो उठे, समस्त विश्व को उसकी ऊष्मा प्राप्त करने का अवसर मिले। भूतकाल में आत्मिक दृष्टि से उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ भारत अपनी गौरव गरिमा विनिर्मित करने में और समस्त विश्व को अपने अनुदानों से भर देने में समर्थ हुआ था। वही राजमार्ग हमारा आवाहन करता है। संसार में धन, विज्ञान एवं बुद्धि बल भले ही बढ़ गया हो तथा कथित प्रगतिशील लोग सुविधा साधनों से भले ही पड़ गए हों, पर उनका आत्मिक पिछड़ापन अभी भी उन्हें घोर अशांति में घिरी हुई उलझनों से जकड़े हुए हैं। निर्धनों, अशिक्षितों, अस्वस्थों से भी कहीं गई गुजरी मनस्थिति में इन उन्नतिशील देशों को रहना पड़ता है। उनके सिर चढ़ी हुई दुष्प्रवृत्तियां तो उन्हें भीतर ही भीतर खोखला किए दे रही हैं। इस स्थिति में भारत अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को विकसित करके न केवल अपना पिछड़ापन दूर कर सकता है, वरन समस्त संसार को इतना अधिक आत्मिक अनुदान दे सकता है जिसकी तुलना में उनकी अब तक की समस्त भौतिक प्रगति को तुच्छ ठहराया जा सके। सर्वग्रासी वर्तमान विश्व संकट के क्षणों में हमें अपनी गतिविधियों का निर्धारण फिर से करना चाहिए, अपनी चिंतन दिशा को फिर से परिष्कृत करना चाहिए ताकि अपना ही नहीं समस्त संसार का सर्वतोमुखी कल्याण कर सकने में समर्थ हो सके। भूतकाल में हमारे पूर्वज समस्त विश्व का मार्गदर्शन करने में किस प्रकार सफल हो सके, इसके लिए उन्होंने अपने में किस स्तर की क्षमता एवं आदर्शवादिता को विकसित किया, यही इस रचना का मूल उद्देश्य है। विश्व सेवा की दिशा में किए गए पूर्वजों के महान प्रयास हमारे लिए प्रेरक, पथ प्रदर्शक बन सकें, इसलिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठों को फिर से पढ़ना, समझना,
आवश्यक है। यह पृष्ठ इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए लिखे गए हैं।